हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। जैसा कि हमने लास्ट में जो वीडियो बनाई थी 6 मंथ स्ट्रेटजी की, उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बोला था, पूछा था कि अगर आपको विजन आईएएस कैसे पढ़ना है, इसके बारे में जानना है फॉर द सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम, तो कमेंट करिए एंड लाइक करिए वीडियो को। तो टारगेट 300 लाइक्स का था, बट आप लोगों ने 400 भी क्रॉस करा दिया। एंड सेकेंडली, कमेंट जो थी वो हमने 50 कमेंट सोचा था और वो कमेंट तो 200 के आसपास जाने वाली है। तो थैंक्स फॉर सच अ बिग रिस्पॉन्स। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक वीडियो पे 200 कमेंट आ जाते हैं, ठीक है। और लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सर विजन आईएएस लेकर के आओ। तो यही सोचते हुए आज की वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं विजन आईएएस आपको कैसे पढ़नी है वो बताऊँगा। टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप हैं जो दिसंबर, जैसे ये दिसंबर 2022 की मैगजीन है, तो दिसंबर 2022 की जो मैगजीन है विजन आईएएस की, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं फॉर पेपर वन एंड फॉर पेपर टू। एंड दो टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन भी करके दिखा दूंगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि पूरी मैगजीन 130 पेजेस की होती है, पूरी मैगजीन को तो नहीं बताया जा सकता। तो इंडेक्स के थ्रू मैं वो बता दूंगा एंड दो टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कि कैसे आप वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर रहेगा। बाकी आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लेकर के आई जाए, बिकॉज अभी स्टे वगैरह हट चुका है, जो जो फियर्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल के अंदर ही, तो उसके बाद टाइम जो है थोड़ा कम बचता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज लेकर के आऊँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऐसे लेकर के आऊँ कि 2022 का पूरा पेपर, 2021 का पूरा पेपर, 2020 का पूरा पेपर, या फिर ऐसे लेकर के आऊँ कि पॉलिटी 2022 से पूरी पॉलिटी, 2021 की फिर पूरी पॉलिटी, फिर 2020 की पूरी पॉलिटी, मानी सब्जेक्ट वाइज, फिर साइंस की, फिर इकोनॉमी की। तो आप बताओ कि ईयर वाइज चाहिए या सब्जेक्ट वाइज चाहिए, और चाहिए भी है कि नहीं चाहिए, तो ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर इस वीडियो के अंदर 100 कमेंट्स एंड 300 लाइक्स अगर ये आ जाते हैं, तो मैं वो वीडियोज़ पर काम करना शुरू कर दूंगा, अदरवाइज फिर जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है, वो सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है और ईयर वाइज भी हो सकती है। वो आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको किस तरह से चाहिए, वो जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगी उस हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा। एंड 300 लाइक्स चाहिए इस वीडियो के ऊपर एंड 100 कमेंट जो चाहिए। तो कमेंट करो, लाइक करो और फिर उस चैनल को सब्सक्राइब भी करो साथ के साथ, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। बढ़ते आगे अपनी वीडियो के अंदर। तो ये हमारा इंडेक्स है विजन आईएएस की मैगजीन का, जिसपे मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने फॉर पेपर वन एंड कौन से पढ़ने फॉर पेपर टू। तो जो ब्लू कलर में मार्क किया मैंने सारा, वो सारा पेपर वन के लिए, एंड जो रेड कलर में मार्क किया वो सारा पेपर टू के लिए। तो पहले पेपर वन के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पेपर टू के ऊपर आएंगे। तो पेपर वन के टॉपिक्स में सबसे पहले देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें देखो पहला टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इसमें दे रखा है वो तो पढ़ना ही है, थोड़ा थोड़ा अपनी जो स्टेटिक है पंचायत और म्यूनसिपालिटी वाले चैप्टर पॉलिटिक है उनको भी थोड़ा देख लेना, रिवाइज कर लेना अपना, ठीक है। दूसरा डेलीगेटेड रिलेशन, या आपने सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा उसके अंदर पढ़े होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, तो ये उससे रिलेटेड है और आप उसको भी रिवाइज कर लेना साथ के साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में पता है, इलेक्शन कमीशन का एक ही चैप्टर, फटाफट उसको रीड कर दो। अपॉइंटमेंट भी आपकी इस ऑल दो इस टॉपिक से भी कवर हो जाएगी, बुक को भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद आपकी न्यूज़ के अंदर ये जैसे सीबीआई कन्विक्शन केस, ये इतना खास कोई काम का नहीं है, आपके पेपर वन के लिए इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ऑल दो सीबीआई काम का हो सकता है, चाहो तो सीबीआई के बारे में जाके सर्च कर लेना, बाकी अपनी पॉलिटी आप पढ़ोगे तो तब भी हो ही जाएगा वो, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बन जाता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आपको हो सकता है लक्ष्मीकांत में ना मिले या किसी और चीज़ में ना मिले, तो इसको जाकर के पढ़ लिया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन इसका हेड होता है, वो सारा का सारा इसके अंदर से पढ़ लिया। देन आपका एक नया प्रोबिटी पोर्टल जो क्रिएटेड किया गया वो आपका पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेंगे कि प्रोबिटी पोर्टल क्या है, किस चीज़ के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, एक्सेट्रा। देन हम आ जाते हैं आईआर के अंदर। आईआर के अंदर बात करें तो ये पहला टॉपिक यूनाइटेड नेशन इंडियाज नॉर्म्स, तो इतना कोई खास है नहीं, ये पेपर टू के लिए भी यूजफुल हो सकता है, बाकी मेंस के लिए ज़्यादा है, सीएपीएफ में इतना खास इसका रिलेशन है नहीं। G20 में जो बाली डिक्लेरेशन हुआ, तो G20 की समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, बाली डिक्लेरेशन क्या है, वो सारा पढ़ लिया, ठीक है, ये पेपर वन के लिए यूजफुल होगा। बीमस्टेक के बारे में पढ़ लिया, बीमस्टेक बेसिकली क्या है, तो बीमस्टेक का जितना भी बेसिक है, कौन कौन से मेंबर्स है, कितनी कंट्रीज है, वो सारा का सारा आप इसके अंदर पढ़ लोगे। देन उसके बाद अगला हमारा पेपर वन का जो टॉपिक बचता है वो आप देख सकते हो। हम आ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर,
सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, तो ECTA पूछ लेगा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अभी किन दो कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से इसकी डिटेल्स वगैरह भी पढ़ ली, कई बार डिटेल भी आ जाती है पूछने के लिए। SARC के बारे में आपको पढ़ लिया कि SARC क्या है, SARC के साथ जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, व्हाट इज़ करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, ये आपका पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये लुसोफोन कंट्रीज, तो व्हाट आर दीज लुसोफोन कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे पूछ लेते हैं कई बार बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है, वैसी लुसोफिन कंट्रीज कुछ होंगी तो वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। देन आपका पेपर वन के लिए हिसाब से बात करें तो एक ही आ जाता है आपका टॉपिक इकोनॉमी के अंदर, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, तो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी क्या है, कैसे बनाई है, किसने बनाई है, क्या है इसके अंदर। देन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, तो ये इसमें पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, तो ये आपका पेपर वन के लिए यूजफुल हो जाती है। ये वन लाइनर के तरीके से हमें पढ़नी है, और ऑल दो अभी देखो इसको प्रीलिम्स के हिसाब से देखोगे तो पूरी मैगजीन इंपॉर्टेंट लगेगी, बट हमें सिर्फ अपने CAPF के हिसाब से सोच के चलना है कि क्या उसमें पूछा जाता है, हमें उतने तक रेस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। देन उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है उसकी मीटिंग, तो आप क्या करोगे, 48th मीटिंग है उसको छोड़ दो, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसके बारे में जाकर के रिवाइज कर लिया, GST काउंसिल के बारे में रिवाइज कर लिया, इसी में मिल जाएगा आपको, और नहीं मिलता है कुछ कमी लगती है तो बुक से रिवाइज कर लो, बुक में लक्ष्मीकांत में दे रखा है। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म बैंक अश्योरेंस क्या होते हैं, बैंक जो होते हैं जब इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको बैंक अश्योरेंस बोल देते हैं, पेपर में लिखा आ जाएगा रिसेंटली बैंक अश्योरेंस इज अ टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको बताना है वो, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट होगी, अब नॉर्मल कोई रिपोर्ट होती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होगी है क्या, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सिमिलरली ग्लोबल वेज रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग क्या है, कैसे है, कौन रिलीज करता है, ये सब पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। प्रीवियस ईयर देखोगे CSCO चाहे सिविल CAPFO ये रिपोर्ट्स आती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कई बार पूछे गए हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको पता होना चाहिए क्या है, कितना, ये स्टेटिक है थोड़ा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका क्या, रिवाइज हो जाएगा 12 नोटिकल माइल्स है कितना, ये एक बार आया है किसी स्टेट PCS के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। देन कई बार हमें कमेटी वगैरह पूछ ली जाती है, जैसे 2022 के अंदर भी आई थी कृष्णा मूर्ति कमेटी के बारे में पूछा गया था, उसी तरह से किरित पारेख पैनल ऑन गैस प्राइसेस, ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और थोड़ा बहुत नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन के ऊपर, जैसे कि आपको पता है अर्बनाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो अर्बन 20 कोई समिट हुई थी या कुछ जो भी है अर्बन 20 उसके बारे में जाकर के आपको पढ़ लिया, ठीक है। उसी तरह से एक फंड क्रिएटेड किया गया स्वामी फंड, ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाएगा स्वामी फंड क्या है, जैसे PM श्री क्या है, ठीक है, कई बार आ जाता है ना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ PM श्री इज अ स्कीम रिलेटेड टू व्हाट, उसी तरह से स्वामी फंड इज रिलेटेड टू व्हाट, तो उसी तरह से उसको जाकर के पढ़ लिया। देन उसके बाद ये एविएशन सेफ्टी की रैंकिंग, इसमें क्या ग्लोबल लेवल की रैंकिंग देखने को मिलती है, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी देखने को मिल रही है। आप ये मैं सोचना कि ये इंडेक्स नहीं पूछा जाएगा, पेपर में 2021 में चैंडलर्स इंडेक्स पूछा गया, कोई जानता भी नहीं है क्या है चैंडलर इंडेक्स और इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है, चैंडलर इंडेक्स ही नहीं पता किसी को, रैंकिंग कहां से बताएगा, लेकिन आ गया। उसी तरह से एवियन सेफ्टी उससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ये मेरे को, ठीक है। देन उसके बाद आपका सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर, सिक्योरिटी वाला टॉपिक वैसे तो मोस्टली पेपर टू के लिए ही है, बट फिर भी पेपर वन के लिए कुछ चीज़ें लाइक अग्नि 5, आपको 2022 का पेपर याद होगा, ब्रह्मोस मिसाइल पूछी गई, रफेल पूछा गया, अग्नि पूछी गई, ठीक है, और भी कई सारी क्रूज मिसाइल्स के बारे में पूछा गया था, ब्रह्मोस के बारे में आपने पढ़ लिया, स्कॉर्पिन क्लास क्या है, किस कंट्रीज़ के साथ हम ये काम कर रहे हैं, वगीर कौन सी है, कौन कौन सी बची हुई हैं, कौन कौन सी आ चुकी हैं, वो सारा का सारा इसमें मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। INS मर्मागांव क्या है, ठीक है, कहाँ पे मर्मागांव, लोकेशन को सर्च कर लिया कि मर्मागांव कहाँ पे पड़ता है, कौन सा पोर्ट है ये, कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, INS मर्मागांव के क्या खास फीचर्स हैं, सारा दे रखा होगा। मार्कोस क्या है, ठीक है, मार्कोस के साथ साथ अगर और कुछ भी मिल जाता है लाइक कोबराज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसी तरह से आपने क्रीक क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ लिया, उसी तरह से आपने RAF के बारे में पढ़ लिया, तो ये अपनी तरफ से खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेपर वन पेपर टू में भी हेल्प करेगा, यहाँ सिर्फ मार्कोज मिलेगा आपको। देन उसके बाद एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, आपको पता ही है हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आई जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में हुई है, तो ये सारी उसके अंदर एक टेबल में बना रखी होंगी, आप वो पढ़ लोगे, ठीक है। CCTNS ये पेपर वन में भी हेल्पफुल है, पेपर टू में भी है। पेपर वन में अगर आपका पेपर टू में अगर कोई टॉपिक आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइम से रिलेटेड, तो आप इसमें इसको कोट कर सकते हो, और CCTNS के बारे में जान लिया, पेपर वन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, क्या काम करता है, कैसे है, ठीक है ये। देन उसके बाद आपका एनवायरनमेंट सेक्शन में CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो व्हाट इज CBD क्या है, कब बनी थी, कौन क्या काम करती है ये, ठीक है, वो सारा इसके अंदर दे रखा होगा, तो पेपर वन के लिए बहुत यूजफुल है। एनवायरनमेंट जैसे कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन आते रहते हैं एनवायरनमेंट के भी, ठीक है। देन आपकी अपडेटेड लिस्ट, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज की, तो IUCN के द्वारा जो थ्रेटेंड स्पीसीज बताई जाती है कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी क्या है, ठीक है, वो आपको देखनी है।
देन उसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। अब ये एक्ट है तो हमें हमारे लिए पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि एक्ट बन चुका है तो फाइनलाइज हो चुका है, तो इसके बारे में जान लिया कि क्या है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और देन उसके बाद आपका आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, तो ये आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ लिया, आर्कटिक के आसपास की कंट्रीज़ के बारे में देख लिया, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है थोड़ा बहुत कंट्रीज़ है आसपास की वो पढ़ ली, और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसका क्या क्या बताया गया इसके अंदर वो थोड़ा बेसिक बेसिक देख लिया, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के ऊपर जो समिट हुई है तो कहाँ समिट हुई, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर डिसीजन लेकर किए गए, तो ये आ जाता है। राइट टू रिपेयर पोर्टल ओपन किया गया, तो किसने ओपन किया, कौन सी मिनिस्ट्री है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इस पोर्टल के थ्रू होगा, वो पूछ लिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट रिलीज हुई है तो वो पढ़ लिया, ठीक है। सिंधुजा फर्स्ट ये क्या है, तो इसके बारे में पूछ लिया। रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट इज दिस, तो ऐसे आते हैं सीएपीएफ में क्वेश्चन। स्पॉन्ज ब्लीचिंग डेफिनेशन है, उसी तरह से कुछ टाइम पहले ब्लू बगिंग न्यूज़ के अंदर था तो ब्लू बगिंग पढ़ लिया। उससे पहले न्यूज़ के अंदर एक टर्म थी जिसको हम मून लाइटिंग बोलते हैं, वो पढ़ लिया कि ये क्या है। देन उसके बाद ओल्डेस्ट नोन डीएनए किसका डिस्कवर हुआ है, जैसे सिविल सर्विस में एक डेनी सोवांस के बारे में क्वेश्चन आया कि डेनी सोवांस रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट इज दिस, तो उसी तरह से इसके नाम के बारे में पूछ सकते हैं। बॉम साइक्लोन कहाँ पे आया, कैसे आया, ठीक है। साइक्लोन मेंडोस ये कहाँ पे आया। देन उसके बाद कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ है, किस रिवर के ऊपर है या कुछ और भी है, कुछ रिवर हो या कोई और आसपास का कोई इरीगेशन प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और पूछा जा सकता है, लोकेशन भी पूछी जा सकती है, कौन सी कहाँ करेक्टली मैच है, इनकरेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद आपका सोशल इश्यूज़ के जो टॉपिक है पेपर वन के लिए, पेपर वन में कोई खास इतना होगा नहीं, बट प्रधानमंत्री ये जो पीएमएवाईजी, ठीक है, ये जो स्कीम है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पेपर वन के हिसाब से भी पढ़ लेना कि भाई क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, क्योंकि पूछा गया है कई बार, ठीक है। निर्भया फंड के बारे में पढ़ लिया, किसने क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया गया था, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, पैसा इसके अंदर कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। देन उसके बाद प्रधानमंत्री अधि आदर्श ग्राम योजना, स्कीम्स वगैरह तो बेसिकली पढ़ ही लिया करो, और उसका मोटिव जान लो, और कौन सी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया वो जान लो, बस इतना काफ़ी है। बाकी श्रेया स्कीम हो गया, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस जान लिया, आया भी है पहले क्वेश्चन एक बार, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस के बारे में जान लिया कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, कौन है, कैसे है, ठीक है। देन उसके बाद स्पिन के बारे में जान लिया, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, ठीक है, और SWOT सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ये आपका हो गया, ठीक है। परसेवरेंस मिशन किसका है, तो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका परसेवरेंस मिशन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अर्टेमिस मिशन हो गया जो कि बहुत फेमस चल रहा है अभी न्यूज़ के अंदर। गामा रे बर्स्ट ये होती क्या है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेना, इतना कुछ खास हुआ है नहीं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, अब वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट रिलीज़ की गई है WHO के द्वारा, पूछ सकता है कि कौन सी दो कंट्रीज़ को अभी इरेडिकेट कर दिया गया है, मतलब जिन्होंने मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया अपने अंदर से, कौन सी कंट्री बची हुई है, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। और विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी, तो ये वोम्ब के बारे में पढ़ लिया कि हेपेटाइटिस बी कौन सी बीमारी है, ये आया है शायद सिविल सर्विसेज के अंदर प्री में आया, CAPF में भी आ सकता है। हेपेटाइटिस बी के फीचर्स के बारे में जान लिया, ठीक है। HIV इन्फेक्शन जो है उसके बारे में जान लिया, HIV के ऊपर पहले भी दो बार CAPF में क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो HIV के बारे में पढ़ लिया। TB के बारे में भी पढ़ लिया, ये डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी डिजीज़ वायरस से हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी प्रोटोजोआ से हो रही है, ठीक है, ऐसे। देन उसके बाद आपने ये पैथो डिटेक्ट किट जो है इसके बारे में पढ़ लिया कि ये क्या है, हो सकता है न्यूज़ में आ जाए कि पैथो डिटेक्ट, मतलब पेपर में आ जाए पैथो डिटेक्ट किट रिसेंटली डेवलप्ड बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो आपने गैम्बिया के बारे में पढ़ा था, उधर चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी, तो उससे रिलेटेड इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ लिया, ठीक है। शी स्टैम क्या है, ठीक है, डीजी यात्रा क्या है, ऑनलाइन गेमिंग तो आपका पेपर टू का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वानी क्या है, देन उसके बाद एशिया फर्स्ट डिलीवरी ड्रोन हब, एशिया का फर्स्ट है और अगर इंडिया में होता है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पढ़ना है। ओरोबिंदो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में होगा तो ओरोबिंदो के बारे में जाकर के पढ़ लिया, अपनी हिस्ट्री वाली नॉलेज रिवाइज कर ली। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कुछ मिले हैं इस महीने के या इस साल के, तो पूछे जाते हैं क्या दो बार मैच द कॉलम में आ जाता है कौन सा किस स्टेट को है जो मिला है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है भद्राचलम एंड रुद्रेश्वर टेंपल, इसके बारे में पढ़ लिया। श्रीशैलम टेंपल के बारे में पढ़ लिया। आपका संगाई फेस्टिवल कहाँ होता है वो पढ़ लिया, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, पूछा जाता है संगाई के बारे में, वैसे भी जाकर के पढ़ लो, संगाई एक एनिमल है, डियर है, डांसिंग डियर शायद इसको बोलते हैं, ठीक है। और कैबुल जिल्लेम जो नेशनल पार्क भी दे रखा होगा उसके बारे में भी अच्छे से रीड कर लिया, ठीक है। और देन उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड, हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो साहित्य अकेडमी का, संगीत नाटक अकेडमी का, किसी ना किसी का आ ही जाता है इनमें से, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, अगर किसी को
कोई फेमस पर्सनैलिटी को मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? जैसे अभी नीरज चोपड़ा के ऊपर आया था कि नीरज चोपड़ा के ऊपर हाईएस्ट रिटर्न आर्टिकल्स जिसके ऊपर बने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, तो वो नीरज चोपड़ा बन गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से बाकी एथिक्स आपके सीएपीएफ में काम का है नहीं, और स्कीम्स वगैरह ये जो दे रखी है इतनी काम की है नहीं। ठीक है, तो ये था पेपर वन। अब बात करते हैं पेपर टू के टॉपिक्स के लिए कि पेपर टॉपिक के टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको किस तरह से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये आपका हो गया इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप अपने एग्जाम के अंदर यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, देन इंडिया यूएस चाइना ट्राइंगल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया। सॉफ्ट पावर क्या होती है कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितनी रेलिवेंस है आज के टाइम के अंदर, वो सारा पढ़ लिया। ठीक है, देन उसके बाद आप जो है एनपीएस के बारे में पढ़ लिया कि एनपीएस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, सारा टॉपिक के अंदर गिवन होगा, अच्छे तरीके से पढ़ लो। इस एनपीए वाले टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, लीगल रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पेपर वन में भी पूछा जा सकता है। पेंशन सिस्टम इन इंडिया भी न्यूज़ में चल रहा है, ओल्ड पेंशन वर्सेज न्यू पेंशन, ठीक है, तो उसको पढ़ लिया। देन उसके बाद आपका पेपर टू में इंटरनल सिक्योरिटी में स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग के बारे में पढ़ लिया, नॉन वुल्फ टेररिज्म के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डेफिनेशन में भी आ सकता है और डिटेल में भी आ सकता है। ठीक है, और बाकी आपकी अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी रिलेट कर सकते हो, कुछ एग्जांपल दे रखे होंगे उनको नोट कर सकते हो या मार्क कर सकते हो बुक इसी के अंदर ही, और अपना रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपका ठीक है फिर आपका जो सोशल इश्यूज़ है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऑल्दो मैंने पेपर वन के लिए भी बोला बट ये थोड़ा पेपर टू के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसमें आप इसका एग्जांपल दे पाओगे। ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, वॉर की वजह से हो रही है, वो पढ़ लोगे। निर्भया फंड आपको पेपर टू के लिए इसलिए लिखा क्योंकि ऑल्दो ये पेपर वन का टॉपिक है लेकिन पेपर टू में क्या है वोमेन से रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो वहाँ पर इसका कोट कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो वो है, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करा करो। देन उसके बाद आपने इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो होती है ना उसके बारे में पढ़ लिया। रिपोर्ट वैसे काम की नहीं है बट इनइक्वालिटी के बारे में जो इसके अंदर दे रखा होगा वो आपके लिए काम का हो जाएगा। देन स्पेस सस्टेनेबिलिटी, किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है स्पेस के ऊपर, स्पेस में सस्टेनेबिलिटी, वेपन्स एंड ऑल जो भी चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट पूछ सकते हैं, ऐसे आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। देन उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, तो मैंने अपना जो पेपर टू का प्रोग्राम है उसके अंदर भी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्रोज एंड कौनसी यानी कि आर्ग्यूमेंट लिखवाया कि बैन करना चाहिए कि नहीं बैन करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका सारा इंडेक्स हो गया कवर, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि पेपर टू के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और पेपर वन के लिए आपको क्या पढ़ना है। अब मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि आप पढ़ोगे किस तरह से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद पूरी मैगजीन तो कर नहीं सकते, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बट एक्सप्लेन करना भी जरूरी था, अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है, बिकॉज वही है, मैं फील करता हूँ कि 5-7 मिनट की वीडियो बना दूँ उससे ना तो आपको कुछ मिलेगा, ना मुझे कुछ मिलेगा, ना मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा हाँ लोगों को समझ में आ गया, और ना ही आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ इसने कुछ बताया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो, कोई बात नहीं, आप पूरा देखने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये मैंने बोला जैसे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग पढ़ोगे कैसे, एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप अपना कर लेना फिर जो टॉपिक आपको बताएं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ऑलवेज अवेलेबल है। मैसेज करोगे 5-10 मिनट के अंदर आपका रिप्लाई आ जाता है वैसे भी। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं उसके बारे में क्या पढ़ना है, तो ये पेपर वन के लिए भी हो सकता है, पेपर टू के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिपोर्ट रिलीज की गई है आरबीआई के द्वारा, तो ये आपका पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और ये डेटा जो है ना 5% से 9% चला गया। ठीक है, फ्रॉम ए पीक ऑफ 9% से 5% पे आ गया, डिक्लाइन हो गया, तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो इकोनॉमी का कोई ऐसे आ जाता है तो उसके अंदर। देन सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है वो जान लिया, क्या उसकी वेटेज पीरियड होती है लाइक 90 डेज तक उसका लोन का अगर या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रिटर्न नहीं आया तो। एग्रीकल्चर लोन में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है वो पढ़ लिया। ये क्या ये पेपर वन में पूछा जा सकता है व्हाट इज एनपीए, 90 डेज की जगह 180 डेज लिख के दे देगा। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन में सेम डेफिनेशन दे देगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में डिफरेंट है। तो इस तरह से आप इसको पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए रीड कर सकते हो। देन उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और ये इसके अंदर दे रखा है कि बैंक के जो असेट्स होते हैं वो क्या होते हैं और बैंक के एनपीए क्या होते हैं वो होते हैं। इसमें भी पेपर वन में क्वेश्चन आ सकता है, एक साइड में लिख देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबिलिटीज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेट्स ऑफ ए बैंक। तो ये असेट्स बता रखे बैंक के क्या होते हैं। ठीक है, बैंक के असेट्स क्या क्या होते हैं। एनपीएस तीन तरीके के एनपीएस होते हैं वो आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद आपका पेपर टू वाला काम अब शुरू हो जाता है। ये पहला पेपर वन का काम था, अब पेपर टू वाला काम शुरू हो जाता है कि भाई
एनपीए जो है वो क्या है, क्यों इतना बढ़ गए, कैसे हो गया, कैसे हमारी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली, हेल्दी बैलेंस शीट जो आ रही है ना उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये रीजंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके ऊपर एनपीए के ऊपर कोई ऐसे आ गया तो आप एनपीए के बारे में इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले वो एनपीए का इंट्रोडक्शन बन जाएगा। बॉडी के अंदर क्या बताओगे आप, रीजंस बताओगे, रीजंस के बाद आप क्या बताओगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है, तो वो ये यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। लाइक इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी, देन उसके बाद आपकी हमारी जो प्रोफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव हुई है, जो स्लिपेजेस है वो हमारे डाउन गए हैं, हमारा जो बफर है कैपिटल बफर वो इंप्रूव हुआ है, हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो उनके अंदर एक उछाल देखने को मिला है जिससे हमें लग रहा है कि एनपीए हमारे रिड्यूस हुए। तो ये आप छोटे से पैराग्राफ में बता दोगे, रीजंस बता दोगे क्यों हो रहे हैं एनपीए के। फिर उसके बाद बताते हैं इनिशिएटिव, ठीक है, कि हमने क्या इनिशिएटिव लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये हमारे इनिशिएटिव्स है, लाइक हमारे द्वारा कैपिटलाइजेशन किया गया किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, इंद्रधनुष प्लान लेकर के आ गया। इंद्रधनुष प्लान के बारे में भी जानना है तो जस्ट ये कीवर्ड्स जो है ना, ये कीवर्ड्स ये पढ़ लो कि इसके अंदर क्या क्या है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। देन उसके बाद कंसोलिडेटेड करना, मर्जर कर देना बैंक्स का, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये कीवर्ड्स जो है ना इनके ऊपर फोकस करना कि अगर मान लो एनपीए का कोई टॉपिक आ गया है, एनपीए के ऊपर आपको ऐसे लिखना है तो क्या मेजर इनिशिएटिव टेकन किए गए हैं, तो ये आप बताओगे कीवर्ड्स के थ्रू। कीवर्ड्स पढ़ना, कीवर्ड्स पे ही फोकस करना, कीवर्ड्स पे ही मार्क करना, पूरे पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बाद में रिवाइज करोगे ना तो मुश्किल हो जाता है, सिर्फ कीवर्ड होंगे याद रह जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका और एग्जांपल में और क्या क्या स्टेप्स टेकन किए गए, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लिया कि ये है क्या, क्या करता है ये, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है। आईबीसी जो है उसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लिया, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो देन उसके बाद और हमारे ईज रिफॉर्म्स, ये पूछे जा सकते हैं, ईज रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट, पेपर वन में भी आ सकते हैं, पेपर टू में भी आ सकते हैं, और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये तो ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा गया। तो ये हमारे द्वारा मेजर इनिशिएटिव जो टेकन किए गए हैं। देन उसके बाद आ जाता है कि आपको और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, कंसर्न क्या है, मतलब एनपीए को लेकर के हमारे और क्या क्या कंसर्न है। तो ये सारे कंसर्न आ गए इसके अंदर कि इन्फ्लेशन इज ग्लोबलाइज्ड है, बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ रही है, आईबीसी फ्रेमवर्क की इफेक्टिवनेस इज डिक्लाइनिंग, शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट, देन रिस्क ऑफ फेलियर एंड वीकनेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये जो है ना कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। देन उसके बाद आपका आ जाएगा वे फॉरवर्ड, कि वे फॉरवर्ड में क्या है कि अब आप और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन बनेगा, सीएपीएफ का भी अगर ऐसे लिख रहे हो तो इतना पार्ट आपका बन जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा जो है जो कैची लाइंस होती है ना वो लिखी गई है इसके अंदर, जिसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। एंड जो आपको सजेशन देना हो तो इसमें आप ये हेडिंग सब हेडिंग जो है ना ये दोगे कि हमें आईबीसी को और इम्प्रूव करो, कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेज है उनको ठीक करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करो, एआई का यूज़ करो, ठीक है, मॉनिटरिंग करो, जो स्लिपेजेस वगैरह बैंक की हो रही है उनको मॉनिटर करो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, बोथ फॉर पेपर वन एंड बोथ फॉर पेपर टू फॉर द सीएपीएफएसी 2023 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये विजन है, इसके लिए होता है। बाकी मैं इंडेक्स आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडेक्स था जिसमें मैंने मार्क कर दिया कि ये टॉपिक्स आपके पेपर वन के लिए, ये टॉपिक्स आपके पेपर टू के लिए, जो कि आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप विजन आईएएस कंप्लीट करोगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कोशिश करनी है कि या तो डेली एक एक घंटा निकाल लो, मतलब जब भी आ जाती है पूरे मंथ की, डेली आधा घंटा एक घंटा निकाल लो और आपकी 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आप ये कर लो कि भाई डेढ़ दिन, एक से डेढ़ दिन निकाल लो और पूरा दिन यही पढ़नी है, ख़त्म करनी है, जो जो टॉपिक बताए वो करनी है। तो वो आपकी चॉइस है कि किस तरह से कर सकते हो। मैं वो जो एक से डेढ़ दिन वाला काम है ना वो करता था, कि जैसे ही मैगजीन आई एक से डेढ़ दिन लगाया और पूरी की पूरी ख़त्म कर दी, जो मेरे को पता है कि कौन, पहले टिक लगा लिया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं 2-2.5 घंटे उसमें, और बाकी फिर उसके बाद डेढ़ दिन में उसको पूरा पढ़ दिया, ठीक है। और मार्क करना है उसी पे कर दो। नोट्स वोट्स बनाने के लिए मैं बोलता नहीं कि आपको कोई नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत है विजन आई एस की, उसी से ही आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब रिवाइज करोगे और भी अच्छे अच्छे मैराथन वीडियोज़ वगैरह भी आती हैं, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है कि आप अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर कर जाओ, आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। तो ये थी सारी वीडियो पूरी विजन आई एस के बारे में और किस तरह से आपको पढ़नी है, और आई होप कि मैंने सही तरीके से बताया आपको टॉपिक किस तरह से पढ़ने पेपर वन पेपर टू के लिए, एंड किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया। बट आप ये समझ सकते हो कि पूरी जो पीडीएफ है उसको नहीं बताया जा सकता, कुछ कॉपीराइट्स के भी इशू होते हैं, एंड दूसरी चीज़ क्या होती है कि इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, ठीक है, तो वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की जाती हैं, नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, और इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे कोई लोग ज़्यादा, कुछ लोग ज्वाइन कर नहीं रहे, 500 लोग हैं, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करो, आपके बेनिफिट के लिए ही है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, सारी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में है, जो भी मेरे पर्सनल व्यूज़ है, मेरा कोई सजेशन है,
कुछ पढ़ने के बारे में है, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ उधर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ, चैनल की, ग्रुप की नहीं। उधर जो है चैनल पे आपको सब कुछ बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट मिलेगा, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया PYQ सीरीज़ के बारे में कि अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो पे 300 लाइक एंड 100 कमेंट अगर हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं वो वीडियो सीरीज़ की फॉर्म में लाना शुरू कर दूंगा, टिल यूर एग्जाम खत्म करा देंगे अच्छे तरीके से, और उसी में इलिमिनेशन टेक्निक्स को भी बताने की कोशिश करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो कमेंट करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।